दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक स्कूल की वैन की चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम की मौत का मामला सामने आया है। 4 वर्षीय मासूम सिद्धार्थ लिटिल वर्ल्ड प्ले स्कूल में पढ़ता था और छुट्टी के बाद स्कूल वैन से वह घर लौट रहा था। जैसे ही स्कूल वैन ने सिद्धार्थ को उसके घर के बाहर छोड़ा, वैसे ही ड्राइवर ने बिना देखे कि सिद्धार्थ वैन से दूर गया है या नहीं, उसने वैन को दौड़ा दिया। इसी दौरान ड्राइवर की लापरवाही से यह मासूम स्कूल वैन की चपेट में आ गया, जिसे 4 वर्षीय मासूम सिद्धार्थ की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में खिड़की दोला थाना प्रभारी की माने तो परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और स्कूल वैन के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बच्चे को स्कूल की वैन छोड़ने के लिए आई थी छुट्टी के टाइम, ठीक है, उसमें कोई दूसरे वाला बंदा था नहीं उतारने वाला, ठीक है, कंडक्टर जो होता है वो था नहीं, ठीक है, ड्राइवर ने बच्चा उतारा, उसके बाद बच्चा उतर गया, ड्राइवर ने देखा नहीं आगे पीछे, उसने गाड़ी बैक कर दी, चढ़ गया बच्चे पे, ठीक है, फिर हम हॉस्पिटल लेके आए थे, हॉस्पिटल वालों ने हमें बेवकूफ़ बनाया 1.5-2 घंटे तक। हॉस्पिटल का पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, खिड़की दोले लिटिल वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का पूरा नाम लिटिल ड्रीम वर्ल्ड स्कूल। ये बच्चा डेली आता जाता था स्कूल की वैन में, आज ये स्कूल की वैन से दोपहर को 1:30 बजे करीब गांव में शिकोपुर में छोड़ने के लिए वैन गई थी, तो ये बच्चा नीचे उतर के चला था, वैन की नीचे आ गया, ये तो ये हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ पे गुरुग्राम पहुँचे हैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में, तो यहाँ ये 5 बजे के आसपास बच्चा एक्सपायर हो गया। तो परिवार वालों ने आप लेगा भाई, हॉस्पिटल ने ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया, बच्चे ने लापरवाही करी ट्रीटमेंट, उनके खिलाफ इन आरोप लगाए, उसकी शिकायत ये यहाँ पे सिविल लाइन में दे रहे हैं, उसकी अलग से कार्रवाई होगी। और जो एक्सीडेंट का स्कूल की लापरवाही से या ड्राइवर की लापरवाही से जो एक्सीडेंट हुआ है, उसका खिड़की दौला थाने में FIR दर्ज करने शिकायत ले लिया, FIR दर्ज करने लग रहे हैं। बच्चा रेड हाउस पे पोस्टमार्टम के लिए यहाँ रखवा दिया, बच्चा बॉडी और कल को पोस्टमार्टम होगा। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल वैन में ड्राइवर के साथ उसका सहयोगी कंडक्टर ही नहीं था, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। अगर इस स्कूल वैन में ड्राइवर के साथ उसका सहयोगी कंडक्टर होता तो 4 वर्षीय मासूम की जान नहीं जाती। अमूमन देखने में यह भी आता है कि स्कूल वैन के ड्राइवर अपने स्कूल के बच्चों को उनके घर तक छोड़ने में इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं कि वह यह देखने की जहमत तक भी नहीं उठाते हैं कि बच्चा अपने घर में सुरक्षित प्रवेश कर गया है या नहीं। पुलिस वाले तो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, पुलिस भी उन्होंने बुलाई, हमें पुलिस भी नहीं बुलाई, पुष्पांजलि हॉस्पिटल वाले ने बुलाई पुलिस भी, सही सलामत था बच्चा मेरा, जब मैं गया उसके पास बोला पापा मुझे घर ले चलो, उसके बाद इन्हों की लापरवाही है, इनके हॉस्पिटल के स्कूल के खिलाफ कानून कार्रवाई हो और इंसाफ दो। वहीं जल्दबाजी और लापरवाही के चलते 2 बहनों के इकलौते 4 वर्षीय भाई की दर्दनाक मौत कई अहम सवाल खड़े कर रही है कि फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले इन निजी स्कूलों की बच्चों के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद निजी स्कूल नौनिहालों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़, गुरुग्राम।